Myself, Dr. Poonam Mishra, working as an associate professor in DAV PG College. Today, we will discuss about idealism, आदर्शवाद जिसे हम कह रहे हैं कहते हैं। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आइडियलिज्म एज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, आदर्शवाद एक शिक्षा के सिद्धांत के रूप में, शिक्षा के वाद के रूप में आदर्शवाद को माना जाता है, कहा जाता है। और आइडियलिज्म इज द ओल्डेस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड। लेसन ओवरव्यू, लेसन को हम लोग इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एक्सपोनेंट्स, टाइप ऑफ आइडियलिज्म, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, आइडियलिज्म एंड टीचर, कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म टू एजुकेशन, इवेल्युएशन ऑफ आइडियलिज्म एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, आइडियलिज्म इज ए वेरी ओल्ड फिलोसॉफिकल थॉट एंड इट हैज एक्सरसाइज्ड ए पोटेंट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ मैन थ्रू आउट द एजेस। आइडियलिज्म को सबसे पुराना दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है, दार्शनिक विचार माना जाता है, और इसका एक बहुत ही मनुष्य के ऊपर प्राचीन काल से ही इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता रहा है। Even in the modern times, when people are not inclined toward accepting any dogmatic creed or philosophy, idealism has certain attraction which appeal to the human mind and thereby exercise a great influence on human thinking. आजकल के युग में जब मनुष्य किसी भी प्रकार की हठधर्मिता को या किसी भी प्रकार के दर्शन को नहीं मान रहा है, उस समय, ऐसे समय में भी आदर्शवाद ने एक मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर अपना एक ऐसा प्रभाव छोड़ा है जिसका कि उसके विचारों पे काफी प्रभाव पड़ता है। आइडियलिज्म, द वर्ड आइडियलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट सोर्सेज। आइडियलिज्म जो है वो दो डिस्टिंक्ट सोर्सेज से निकल कर आया है, द आइडिया एंड द आइडियल, विचार और आदर्श। आइडिया मीन्स ट्रू एंड टेस्टिफाइड नॉलेज, विचार जो कि सत्य होता है और टेस्टिफाइड होता है, जिसको हम सत्य की कसौटी पर कस कर देख सकते हैं। द वर्ड आइडियल स्टैंड फॉर द परफेक्टेड फ्रॉम आर ऑफ एन आइडिया आर आइडियाज। एन आइडियलिस्टिक डज नॉट हैव कंसिडरेशन फॉर मेटीरियल वैल्यूज ऑफ लाइफ। जो आइडियलिस्टिक होते हैं वो ये नहीं मेटीरियल वैल्यूज को, सांसारिक जो मूल्य है, जो आप कहेंगे कि भौतिक मूल्य हैं, उनको विश्वास नहीं करते हैं। और ए थिंकर हु आइडियलाइजेस माइंड एंड सेल्फ इज एन आइडियलिस्ट। जो मस्तिष्क को और स्वयं को देव तुल्य मानते हैं उनको आइडियलिस्टिक माना जाता है। आइडियलिज्म इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। आइडियलिज्म जो है आदर्शवाद सबसे पुराने स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में माना जाता है। जैसा कि ग्रुवेकर ने कहा है कि आइडियलिज्म पॉइंट्स आउट दैट इट इज द माइंड दैट इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। आदर्शवादी इस बात में विश्वास करते हैं कि संसार के बोध में मन की मुख्य भूमिका होती है। टू देम नथिंग गिव्स ए ग्रेटर सेंस ऑफ रियलिटी देन द एक्टिविटी ऑफ माइंड एंगेज्ड इन ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड इट्स वर्ल्ड। उनके लिए संसार को समझने के प्रयास में मानसिक क्रिया के अतिरिक्त और कोई भी वास्तविकता नहीं है। अब हम लोग इनके एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। प्लेटो को आदर्शवाद प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, प्लेटो को, जिसकी पिक्चर मैंने लगाई है। प्लेटो, सोक्रेट्स, रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रोबेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राधा कृष्णन, एम के गांधी, बार्कले, हेगल, ग्रीन, जेंटाइल और फिजे इसके एक्सपोनेंट माने जाते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में जहां पर की आध्यात्मिकता को प्रमुखता दी जाती है, तो हाँ, हमारे यहाँ के जितने भी फिलासफर रहे, जितने भी दार्शनिक रहे,
सभी जो है वो आइडियलिज्म से काफी प्रभावित हैं और आइडियलिज्म का आदर्शवाद का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके मन में, उनके विचारों में, उनके भावों में, उनके कार्यों में आदर्शवाद की झलक जरूर दिखाई देती। आदर्शवादी जो है वो आदर्शवाद जो है वो अध्यात्म पर बल देता है और वो मन को इस विचारधारा में मन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मन जो है वो पदार्थ से उत्तम है और जगत को मन के द्वारा ही जाना जा सकता है और तीन तत्व अध्यात्म आध्यात्मिक मूल्यों और सत्यम स्वयं और सुंदरम सत्यम शिवम और सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान मानते हैं। ये कहते हैं कि गुडनेस ट्रूथ एंड ब्यूटी आर सीन टू बी एब्सोल्यूट इट एग्जिस्टिंग इन इट्स ओन राइट इंटायरली डिजायरेबल इन इटसेल्फ। अर्थात सत्यम स्वयं सुंदरम जो है वो निरपेक्ष गुण है जिसमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और अपने आप में पूर्ण वांछनीय है। आदर्शवाद के टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट और सेकेंड है आपका मॉडर्न आइडियलिस्ट। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में दिस लेज डाउन दैट द हार्ट ऑफ रियलिटी इज टू बी फाउंड इन थॉट आर रीजन इज एब्सोल्यूट, मतलब जो अंतिम सत्य आध्यात्मिक सत्य है, जो एब्सोल्यूट में विश्वास करते हैं, परम में विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करते हैं, बीइंग एब्सोल्यूट इट इज आल्सो वन, ईश्वर एक है, अनंत है, एवरीथिंग दस इज इंटर रिलेटेड एंड ऑल कंट्राडिक्शंस कोइंसाइड, मतलब सभी चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। दूसरा है मॉडर्न आइडियलिज्म। इट इज गिवन ए डिफरेंट टोन टू एजुकेशनल फिलॉसफी, इसने जो है एजुकेशनल फिलॉसफी को विभिन्न डिफरेंट टोन दिया, एक अलग प्रकार का टोन दिया। इन दिस कंसेप्ट आइडियलिस्ट मोर टू डू दिस आइडिया एज मेंटल स्टेट इन दिस आइडियलिज्म माइट बी कॉल्ड ए फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म, इसको फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म जो है वो आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। जैसे सबसे पहला है द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म आर फर्स्ट टू फॉर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड, इस संसार के दो जो है वो फॉर्म है, कौन कौन से, आध्यात्मिक सत्ता और भौतिक सत्ता, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरा जो है वो भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन दोनों मतलब संसार को दो भागों में इन्होंने बांटा है और इन्होंने कहा है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक पूर्ण है, अधिक अनंत है, और क्योंकि भौतिक जगत तो नाशवान है और आध्यात्मिक जगत जो है वो अपरिवर्तनीय है, इसलिए इन्होंने माना कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल माइंड। नेक्स्ट है आपका आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट। आइडियलिज्म में जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म, आइडिया विचार और इज्म जो है वाद, विचारवाद इसको हम कहते हैं, प्रत्ययवाद इसको कहा जाता है। तो इस तरह से आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, विचारवाद, मनवाद इसको कहा जाता है। तो इसमें आइडियाज को, विचारों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इन्होंने माना है कि ब्रह्मांड जो है वो यंत्र की अपेक्षा जो है वो विचार के अधिक समान है। इन्होंने माना है कि वस्तु की अपेक्षा विचारों को ये अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर, मनुष्य का स्थान जो है वो इन्होंने ज्यादा दिया है, मतलब मनुष्य को इन्होंने सर्वोपरि माना है, सर्वोपरि मनुष्य का स्थान इन्होंने दिया है। और इन्होंने ये कहा है कि मनुष्य जो है वो देवों से कुछ कम है लेकिन यश और सम्मान से विभूषित है, ईश्वर की बनाई हुई समस्त वस्तुओं का वो राजा है और इसीलिए जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। नेक्स्ट है फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, इनको जो है वो आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व पता है, विश्वास है उसमें। ये कहते हैं कि जो ट्रूथ है, जो गुडनेस है और जो ब्यूटी है, जो तीन आध्यात्मिक मूल्य हैं, सत्यम शिवम और सुंदरम,
इन तीनों मूल्यों को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है और इन्होंने कहा कि ये जो मूल्य हैं वो इटर्नल हैं, ये डिवाइन हैं, परमानेंट हैं, अनचेंजिंग हैं, एवरलास्टिंग हैं, इसलिए इन्होंने इन मूल्यों को ज्यादा स्थान दिया है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि फुल सपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन्होंने अनेकता में एकता का सिद्धांत जो है वो बताया है। इन्होंने बताया है कि आदर्शवादियों ने कहा है कि विश्व की समस्त वस्तुओं में विभिन्नता के एकता के दर्शन होते हैं क्योंकि और इसी एकता को ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है और ये कहा जाता है कि एन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन देन इज इन अकाउंट ऑफ मैन फाइंडिंग हिमसेल्फ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए यूनिवर्सल माइंड। आदर्शवादी क्या मानते हैं कि शिक्षा दर्शन का वह स्वरूप ये प्रदान करता है जिसमें मनुष्य अपने आप को मानसिक विश्व का पूर्णांश समझने लगे। नेक्स्ट क्या इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन्होंने व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व दी, ठीक है, क्योंकि पर्सन को महत्व दी तो उनके व्यक्तित्व को भी इन्होंने ज्यादा महत्व प्रदान की। उनका ये मानना था कि हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारी जो पर्सनालिटी है वो कई चीजों से मिलकर बनती है, इसलिए जो है इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को गिव मच इम्पोर्टेंस टू द सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स नो दाई सेल्फ, इन्होंने पर्सनालिटी को महत्व दिया, सेल्फ को जानने के लिए महत्व दिया और ये सारी चीजें इन्होंने सोल को इम्पोर्टेंस दी और व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास और व्यक्तित्व का ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व के उन्नयन पर इन्होंने ज्यादा बल दिया है। फुल सपोर्ट टू दी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, आदर्शवादी और शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला है उद्देश्य जो है यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन में क्या है आपका कि जो भी मतलब इन्होंने जो एजुकेशन की बात की वो यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की। यूनिवर्सल एजुकेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है शुरू से ही विश्व गुरु रहा है और कहा जाता है कि एत देश प्रसूतस्य सकासाद अग्र जन्मना स्वसा चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्या सर्व मानवा, मतलब इन्होंने पूरे विश्व यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की क्योंकि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास जो है वो हमारी शिक्षा का एक प्रमुख अंग रहा है, तो इसलिए इन्होंने यूनिवर्सल एजुकेशन की वकालत की थी। दूसरा इन्होंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, जिसका कि आत्म अनुभूति, आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति, और आदर्शवादियों ने का जो शिक्षा का उद्देश्य रहा है वो आत्मानुभूति रहा है। आत्मानुभूति का मतलब नो दाई सेल्फ, स्वयं को समझो, अपने को समझिए, और ये कैसे होगा जब दैवीय गुणों का विकास हो जाएगा और इन दैवीय गुणों का विकास कब हो पाएगा जब हम सेल्फ रियलाइज करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन इज ए गोल ऑफ लाइफ एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो आत्मानुभूति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जिसमें कि हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनका विकास करना। आप सभी जानते हैं कल्चर के बारे में, आप सभी जानते हैं कि आदर्शवादियों ने कहा है कि व्यक्ति और जाति की जो सांस्कृतिक विरासत है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्होंने कहा कि जैसे धर्म है, नैतिकता है, कला है, गणित है, विज्ञान है, लिटरेचर है, ये सारी चीजें जो है विभिन्न युगों में जो मनुष्यों ने कार्य किया है तो मनुष्य के मॉरल, मेंटल और एस्थेटिक जो उनके वर्क हैं उनका ये रिजल्ट है, इसलिए इन सभी चीजों के बारे में बताना, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म एंड हिज एम ऑफ देयर एम ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, मतलब बच्चों में जो है वो मॉरल वैल्यूज जो है नैतिक गुणों का को विकसित करना, और ये नैतिक गुण कब विकसित होंगे जब बच्चे का जो है वो, क्योंकि मॉरल वैल्यूज को विकसित करके ही वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, जैसे सदा सत्य बोलना और सत्यम स्वयं सुंदरम जैसे गुणों का पालन करना, ये सारी चीजें जो है वो आपके उसमें मॉरल वैल्यूज को कल्टिवेट करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही साथ
ईश्वर की प्राप्ति करना और मतलब जो भी हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आध्यात्मिक गुण होते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति में मदद करते हैं। और चूंकि इन्होंने सत्यम, शिवम और सुंदरम को ज्यादा प्रधानता दी है, इसलिए इन्होंने कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज जो है एम्स ऑफ एजुकेशन को प्रमुख महत्व इन्होंने माना। फिर नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं आध्यात्मिक विकास की, तो आदर्शवादियों ने कहा है कि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक उन्नति करना है। और इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा हमें क्या करना है, उसकी संस्कृति के अधिकाधिक रूपों को हमें प्राप्त करना है, और उसके लिए क्या करना है कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रविष्ट होना पड़ेगा। एजुकेशन मस्ट इनेबल मैनकाइंड थ्रू इट्स कल्चर ऑफ एंटर मोर एंड फुली इनटू द स्पिरिचुअल रेम। इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात ज्यादा करनी है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर ए होली लाइफ, मतलब व्यक्ति का जो जीवन है मतलब पवित्र जीवन की तैयारी कराना। पवित्र जीवन की क्या तैयारी का क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, ये आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करते थे आदर्शवादी। आध्यात्मिक अंतिम सत्ता आध्यात्मिक सत्ता को मानते थे और पदार्थ की अपेक्षा मन को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। पवित्र जीवन की तैयारी के लिए क्या है कि जो आदर्शवादी हैं वो भौतिक जगत को मिथ्या मानते हैं और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इस बात को ये ज्यादा मानते हैं। और उन्होंने कहा कि हम आत्मिक विकास करें और आध्यात्मिक विकास करें, ऐसे मूल्यों को ज्यादा जोर देना है। और इसके लिए क्या करना है कि बच्चे को मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो भक्तिपूर्ण होना चाहिए, पवित्र और कलंक रहित जीवन की तैयारी होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ फेथफुल प्योर प्योर लाइफ, मतलब प्योर लाइफ देने की बात होनी चाहिए। एंड एजुकेशन शुड लीड एंड गाइड मैन टू क्लियरनेस कंसर्निंग हिमसेल्फ टू बी विथ नेचर एंड टू यूनाइट विथ गॉड, मन ईश्वर के साथ यूनाइट करने की बात होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि एम्स ऑफ एजुकेशन में भी उन्होंने सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे गुणों को लाने की बात कही है, और उसके साथ ही साथ इन्होंने जीवन में पवित्रता लाने की बात कही है, कल्चर ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की बात कही है। अब हम लोग बात करते हैं आइडियलिज्म एंड करिकुलम, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम की हम लोग बात करते हैं। पाठ्यक्रम आप सभी जानते हैं कि आदर्शवाद पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम बच्चों को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। उनके सामने पाठ्यक्रम वह धुरी है जिसके चारों तरफ शिक्षक और विद्यार्थी जो है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कई लोगों जैसे प्लेटो हैं, जे एस रास हैं, टीपी नन हैं, हर्बार्ट हैं, सबने अलग अलग जो है वो पाठ्यक्रम को देने की बात कही है। जैसे रास ने कहा है कि दो तरह के जैसे फिजिकल एक्टिविटीज और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को देने की बात कही है। और जब पाठ्यक्रम को डेवलप करने की बात होती है, व्हाइल डेवलपिंग करिकुलम आइडियलिस्ट्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू थॉट, फीलिंग्स, आइडियल्स एंड वैल्यूज। जब करिकुलम को डेवलप करने की बात होती है तो जो आदर्शवादी हैं वो विचारों को, भावनाओं को, आदर्शों को और मूल्यों को ज्यादा स्थान देते हैं। देन टू द चाइल्ड एंड हिज एक्टिविटीज, मतलब बच्चों को और उनकी क्रियाओं को कम महत्व देते हैं और विचारों को, भावनाओं को, आदर्शों को और मूल्यों को ज्यादा स्थान देते हैं। दे फर्मली होल्ड दैट करिकुलम शुड बी कंसर्न विद द होल ह्यूमैनिटी एंड इट्स एक्सपीरियंसेस। उन्होंने कहा कि करिकुलम का संबंध, पाठ्यक्रम का संबंध होना चाहिए पूर्ण मानवता के साथ और मानवता के अनुभवों के साथ होना चाहिए। इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, मानवता के गुण जो है इसमें जरूर संलग्न होने चाहिए। और इसमें जो है आदर्शवादी ये मानते हैं कि मतलब समाज की, मानव जाति के संपूर्ण अनुभव, समाज की सभ्यता और संस्कृति के उत्कर्ष को इन्होंने कहा कि स्थान मिलना चाहिए। द करिकुलम शुड गिव गुड मेंटल एक्सरसाइज टू ऑल टाइप्स, सभी मतलब ऑल टाइप्स के लिए इन्होंने बताया है करिकुलम को इम्पोर्टेंट, सभी को महत्व देना चाहिए। इन्होंने कहा कि सो कॉग्निशन मतलब नोइंग, अफेक्टिंग, फीलिंग एंड कोनेशन,
स्ट्राइविंग शुड फाइंड ड्यू प्लेसेस. जैसे जैसे जो होता है ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों डोमेन की बात की जाती है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों का तीनों जो क्रियाएं हैं, जो तीनों उद्देश्य हैं, उनकी सही तरीके से पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, उनको सही तरह से पढ़ाया जाए, दिया जाए, ऐसा इन्होंने बताया है कि करिकुलम इस तरह का बनाया जाना चाहिए. साइंसेज एंड आर्ट शुड बी टॉट एज फुली इंटीग्रेटेड. साइंस और आर्ट्स को मिला दिया जाना चाहिए, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए. सीन्स द मेन एम ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म इज टू प्रिजर्व एंड एडवांस द कल्चर ऑफ ह्यूमन रेस. मतलब चूंकि आदर्शवादियों का एक प्रमुख सिद्धांत है या मानना है कि मनुष्य जाति के की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका संरक्षण करना, उसका हस्तांतरण करना ये आवश्यक मानते हैं. इसलिए विषयों में सो सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, एथिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर एक्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड इन द करिकुलम. इसलिए ये सारे विषय धर्म, अध्यात्म, दर्शन, मूल्य, इतिहास, लिटरेचर, ये इन सभी चीजों को इसमें समाहित किया जाना चाहिए. हेल्दी माइंड इन फाउंड इन हेल्दी बॉडी. इसलिए मतलब स्वस्थ मन में, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन का निवास होता है. इस बात को मानते हुए उन्होंने हेल्दी बच्चों को बनाने के लिए, हेल्थ पर ध्यान देने के लिए हाइजीन, गेम्स और स्पोर्ट्स को भी इन शुड फाइंड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द करिकुलम. मतलब इन्होंने पाठ्यक्रम में स्वच्छता, खेल आदि को, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है करिकुलम में, पाठ्यक्रम में. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. आइडियलिज्म जो आदर्शवादी हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी शिक्षण विधि जो है वो बहुत अच्छी नहीं है. वो स्वयं को जो है अपने को शिक्षण विधियों का निर्माता मानते हैं और निर्धारक मानते हैं. आइडियलिस्ट कंसिडर देमसेल्फ क्रिएटर एंड डिटरमाइनर ऑफ मेथड्स, नॉट डिवोटी आर सम वन मेथड. किसी भी एक विधि को ये नहीं मानते कि निर्धारक नहीं मानते, भक्त नहीं मानते हैं, बल्कि विधियों का निर्माता और निर्धारक स्वयं को समझते हैं. आदर्शवादी लर्निंग थ्रू रीडिंग, मतलब पढ़ने के द्वारा लर्निंग होना, व्यवहार में परिवर्तन होना, अधिगम होना. लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग, लेक्चर के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जाना, उनका अधिगम होना. लर्निंग थ्रू डिस्कशन, डिस्कशन मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, अधिगम कराया जाए, इसको इन्होंने माना. लर्निंग थ्रू इमिटेशन, इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा बच्चों को अधिगम कराया जाए, उनको उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए. उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाना चाहिए, हमें सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए. फिर इन्होंने इंडक्टिव मेथड को माना है और उसके साथ ही साथ क्वेश्चनिंग मेथड को इन्होंने माना है, क्योंकि सोक्रेट्स ने क्वेश्चनिंग मेथड्स को आपको पता ही है कि उन्होंने दिया था. फिर इन्होंने डायलेक्टिव मेथड को माना है प्लेटो ने, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड को माना है, लॉजिकल मेथड को माना है, इंस्ट्रक्शनल मेथड को माना है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने कई विधियों को माना है, किसी एक विधि को लेकर ये नहीं चलते, एक मेथड को नहीं मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर मेथड और डिस्कशन मेथड को ये सर्वोत्तम मानते थे, अच्छा मानते थे. अब हम लोग बात करते हैं आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, अनुशासन में ये क्या कहते हैं आदर्शवादी जो है वो क्या मानते हैं कि अनुशासन कैसा होना चाहिए. अब आप सभी जानते हैं कि जो आइडियलिज्म है वो क्या मानते हैं कि आध्यात्मिक सत्ता अंतिम सत्ता होनी चाहिए. तो इन्होंने कहा कि बच्चों को पर कंट्रोल रखना चाहिए, कंट्रोल ओवर दी चाहिए. इन्होंने कहा कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल दी चाहिए. इन्होंने कहा कि जो आदर्शवादी हैं वो बच्चों पे कंट्रोल करते हैं और रोट मेमोरी के द्वारा जो है वो बच्चों को याद करने की बात कहते थे और उन पे नियंत्रण रखने की ये बात करते थे. तो ये ना तो दमनकारी अनुशासन के पक्ष में थे और ना ही जो है ये स्वतंत्र अनुशासन को मानते थे. जैसे कि नेचुरलिज्म प्रोवाइड्स अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू द चाइल्ड, वेयर एज आइडियलिज्म वांट्स टू कीप द चाइल्ड अंडर डिसिप्लिन.
जो आदर्शवादी हैं वो बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते थे, और जो नेचुरलिज्म के मानने वाले हैं, प्रकृतिवाद जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो नेचुरलिज्म जो है वो अनरिस्ट्रिक्ट, मतलब वो बिल्कुल ही बच्चों को फ्री छोड़ देने की बात करते हैं, खुले में छोड़ देने की बात करते हैं, अनुशासन देने की बात बिल्कुल ही नहीं करते हैं कि उनको बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ऐसा जो है वो नेचुरलिज्म वाले मानते हैं। लेकिन आदर्शवादी क्या मानते हैं कि हमें बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। उन्होंने कहा है इनका जो मतलब जैसे प्रकृतिवादियों का नारा क्या है, स्वतंत्रता फ्रीडम, और डिसिप्लिन जो है ये आइडियलिज्म का मानना है। आइडियलिस्ट बिलीव दैट देयर कैन बी नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विदाउट डिसिप्लिन। आइडियलिज्म वाले मानते हैं, आदर्शवादी ये मानते हैं कि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकता है बिना डिसिप्लिन के, ठीक है। तो इसलिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को डिसिप्लिन में रखना अनिवार्य है। दिस लीड्स टू इनर डिसिप्लिन, और ये जो बात ये कहते हैं इनर डिसिप्लिन से होता है, जैसे आउटर डिसिप्लिन और इनर डिसिप्लिन। आप सभी जानते हैं कि हम कोई काम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हमें स्वतः उसको सीखने के प्रति हम मोटिवेट हो सके, उसके बाद इनर डिसिप्लिन हमारे में आत्म अनुशासन आ जाए। क्योंकि अगर आत्म अनुशासन नहीं आएगा तो दूसरों के कहने से, पेरेंट्स के कहने से, टीचर के कहने से हम उस चीज को नहीं करेंगे। तो इनर डिसिप्लिन पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। इन्होंने कहा कि द डिसिप्लिन इज नॉट टू बी इम्पोज्ड ऑन पीपल्स, द टीचर हैज ओनली टू हेल्प देम टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड थ्रू दैट सेल्फ नॉलेज। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन से ही सेल्फ नॉलेज प्राप्त होगी, ऐसा ये मानते हैं कि टीचर को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो जागृत हो जाए। सेल्फ इंसाइट एंड सेल्फ एनालिसिस आर द मेन डिसिप्लिनरी फैक्टर्स। इनके हिसाब से सेल्फ इंसाइट और सेल्फ एनालिसिस करना जो है ये मतलब मेन डिसिप्लिनरी फैक्ट है, अनुशासन के मुख्य कारक माने जाते हैं। द मेन टास्क ऑफ एजुकेशन इज द कल्टिवेशन ऑफ हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ थ्रू मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। शिक्षा का मुख्य कार्य जो होना चाहिए वो जीवन के उच्च मूल्यों का निर्माण, और उसके साथ ही साथ और किस तरह से मोरल और रिलीजियस एजुकेशन के द्वारा, नैतिक और धार्मिक शिक्षा के द्वारा जीवन में उच्च धार्मिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना ये शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। और इसके लिए टीचर को क्या करना होगा कि टू प्रेजेंट ए गुड एग्जाम्पल, शिक्षक को एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। ए टीचर इज एन आइडियल पर्सन टू बी इमुलेटेड बाई हिज पीपल्स। टीचर को मतलब एक आदर्श रूप में विद्यार्थियों के सामने रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आदर्शवाद और शिक्षक, आदर्शवादी आइडियलिज्म असाइंस ए स्पेशल रोल टू द टीचर। टीचर को स्पेशल रोल इन्होंने दिया है, स्पिरिचुअल गाइड माना है बच्चों के लिए। द टीचर सर्व्स एज ए लिविंग मॉडल फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए लिविंग मॉडल माना है, क्योंकि ही सेट्स द एनवायरनमेंट इन विच एजुकेशन टेक्स प्लेस। ऐसा वातावरण सेट होता है जिसमें कि वातावरण सेट करना है जिसमें कि अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जा सके। ही इज ए को वर्कर विद गॉड इन परफेक्टिंग मैन, मनुष्य को परफेक्ट करने में वो जो है को वर्कर है ईश्वर के साथ, ऐसा माना जाता है। एन आइडियलिस्टिक टीचर इज एन फिलोसोफर फ्रेंड एंड गाइड। टीचर इज ए स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। जेंटाइल के अनुसार कि टीचर जो है वो स्पिरिचुअल सिंबल है, अच्छे आचरण को प्रस्तुत करने के लिए वो स्पिरिचुअल सिंबल है। फिर नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशंस ऑफ आइडियलिज्म टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब आदर्शवाद की जब हम लोग बात करते हैं तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी इन एजुकेशन इम्फेसाइजेस द एग्जाल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी विच इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अचीव्ड बाय स्पिरिचुअल नॉलेज, सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिग्निफाइड टीचर। आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी है, जो आदर्शवादी जो दर्शन है, वो शिक्षा में इस बात पर इम्फेसाइज करके इस बात पर बल देती है कि व्यक्तित्व का उन्नयन हो, व्यक्तित्व का विकास हो, और वो व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, आत्म अनुभूति के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, स्व अनुशासन के द्वारा, और उसमें जो है वो डिग्निफाइड टीचर्स का रोल होता है। आइडियलिज्म असाइंस ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू द टीचर। टीचर को इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल दिया है। दे एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। उन्होंने मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया है, और वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटीज
सोशल साइंसेज, आर्ट एंड लिटरेचर को ज्यादा महत्व इन्होंने दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का मूल्यांकन। जब हम इवेल्युएट करते हैं तो क्या दिखाई देता है कि द कॉमन क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग आइडियलिज्म इज दैट इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट एंड वेग डॉक्ट्रिन, इट अवॉइड्स द प्रेजेंट रियलिटीज एंड प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। जो आदर्शवाद है वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है और ऐसा सिद्धांत है जो वेग है, और इसने जो है वर्तमान की अपेक्षा उपेक्षा की है और बच्चों को आगे मतलब आध्यात्मिक जगत के लिए तैयार करता है। आइडियलिज्म जो है कंसर्न है अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ से, आध्यात्मिक मूल्यों को ज्यादा मानता है। आइडियलिज्म लेज मोर इम्फेसिस ऑन थिंकिंग एंड मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज को ये ज्यादा जोर देता है, ज्यादा बल देता है, और उसके अलावा टीचर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है इन रिलेशन टू द चाइल्ड। मॉडर्न साइकोलॉजी इम्फेसाइजेस द प्राइम एंड सेंट्रल इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड, क्योंकि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो बाल मनोविज्ञान पर, चाइल्ड साइकोलॉजी पर ज्यादा जोर देता है। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन। आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स लाइक स्पिरिट, माइंड, सोल एंड कॉस्मोस हैव लिटिल रेलेवेंस इन द क्लासरूम टीचिंग। मतलब इन्होंने जो बात की है कि आत्मा की, परमात्मा की, भावना की, इन सब चीजों में जो इन्होंने सृष्टि की बात की है, वो इन सारी चीजों की क्लासरूम टीचिंग में कम रेलेवेंस। देयर इज टू मच इम्फेसिस ऑन गुड मैनर्स एंड मॉडेस्टी विच मे बी मिस्टेकन। मतलब बहुत ज्यादा जोर दिया गया है अच्छे गुड मैनर्स पर और आध्यात्मिक मूल्यों पर, ये जो है वो गलत है। इट नेग्लेक्ट्स चाइल्ड साइकोलॉजिकल नेचर, विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक स्वभाव को ये नेग्लेक्ट करता है, उसकी उपेक्षा करता है। आइडियलिज्म डज नॉट कंट्रीब्यूट टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, कोई मेथड्स ऑफ टीचिंग इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बहुत सारे मेथड्स को इन्होंने माना है। इट नेग्लेक्ट सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये सामाजिक पक्ष की, जीवन के सामाजिक पक्ष की अवहेलना करता है। इट ओवर इम्फेसाइजेस ह्यूमैनिटी एंड अंडररेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब मानवता को पर बहुत अधिक जोर दिया गया है और साइंस और टेक्नोलॉजी को अंडररेट किया है, उसकी उपेक्षा की है। इन ऑल वी कैन से दैट आइडियलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड शॉर्टकमिंग्स, इट शुड देयरफॉर बी सप्लीमेंटेड बाय अदर फिलॉसफी और फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। मतलब ये अंत में हम ये कह सकते हैं कि इस आइडियलिज्म के अपने गुण हैं और कुछ दोष हैं, इसको जो है वो अन्य फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के साथ मिलाकर प्रस्तुत करना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। अतिवाद अति सर्वत्र बर्जे इस कहावत को मानते हुए अधिकता जो है वो किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि आदर्शवाद पर जो है वो प्लेटो ने और सोक्रेट्स ने, अरविंद घोष ने, एम के गांधी ने, सभी ने जो है वो आदर्शवादी, और हमारे भारतवर्ष में तो आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो अभी मैंने आपके सामने मैंने आदर्शवाद के ऊपर काफी चर्चा की है और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आदर्शवाद का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में काफी विस्तृत है, काफी ब्रॉड है, इसको संक्षेप में करने की मैंने कोशिश की है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ।